जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू कैंप प्ले वीडियो। आज हम खेलने वाले GTA 5। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि माइकल एक्रेस एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की कार चोरी करके फ्रैंकलिन को गिफ्ट में दी थी। वाकई में वो वीडियो किसी ने भी नहीं देखा हो, प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत ही लाजवाब होने वाला है ये वीडियो भी, क्योंकि आज फ्रैंकलिन की लॉस सैंटोस में बहुत बड़ी रेस होने वाली है भाई। बहुत एक्साइटेड हुई है भाई ये रेस खेलने के लिए भाई मैं, क्योंकि ये रेस हमारा सब कुछ है भाई, क्योंकि बहुत ही लाजवाब हो रही है भाई। लामार से बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि लामार ने ही हमारी एंट्री करवाई है उस रेस में। वाकई में भाई लामार से भी बात हो चुकी है भाई, बता रहा था कि भाई तू जाके जल्दी से उस रेस की लोकेशन पे पहुंच जाओ, क्योंकि रेस हालू होने ही वाली है भाई। कोई बात नहीं भाई, चलते हैं उस लोकेशन देख लेते हैं भाई एक बार। लोकेशन भाई 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 ऊपर 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 बात सियरा भाई, ये इधर रेस होने वाली है भाई, बहुत ही बड़ी रेस होगी भाई आज। मज्जा ही कुछ है भाई जीतने के लिए, विनर को बहुत बड़ा सब अमाउंट्स में पैसा मिलने वाला है भाई, इसलिए ये रेस जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है भाई। और जो ये रेस जीतने के बाद एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए भाई, कि फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही डेंजर परचेस किया है भाई वाकई में। और एक कुछ खबरी भी, एक और ही भी है जो हमने जेल की शॉप रॉबरी की थी लेसर के साथ मिलके, वो अमाउंट भी हमारे में ट्रांसफर हो चुका है भाई साहब। वाकई में बहुत बड़ा अमाउंट पे हमारे पास भी आया है भाई, माइकल ने बात करके भाई हमको भी बहुत बड़ा अमाउंट दिया है भाई। उससे ही हमने एक बहुत ही तगड़ा वाला, मतलब मैं सरप्राइज बता दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लास्ट में सरप्राइज बता देंगे भाई, बीच में ही आ जाएगा ये रेस खत्म होने के बाद। एक सरप्राइज आपके लिए भी है भाई, इधर ही भाई लिस्ट के लोकेशन पे तो आ गए भाई। या एंट्री पे $500 भाई, कोई बात नहीं भाई तेरी भाई। और ये रेस वाकई में हमारा ही इंतज़ार था भाई, रेस चालू हो चुकी है भाई साहब, वाकई में बहुत बड़ी तगड़ी तगड़ी कार आई है भाई। भाई चल भाई चल भाई, अपनी कार तो बहुत हैवी है भाई भाई, 300 की स्पीड पे जाती है भाई ये गाड़ी, हमारा पीछा कोई कर भी नहीं सकता भाई। वाकई में बहुत ही लाजवाब रेस होगी भाई ये वाली, कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा भाई आपको भाई शाम भाई 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 आराम से चलाना पड़ेगा भाई, फॉर्म में आ गया तो भाई ठुकना कंफर्म है भाई, क्योंकि एक बार ठुक गए तो भाई सारे बंदे आगे जा सकते हैं भाई, संभाल के जाना पड़ेगा भाई। कहाँ पे ले जा रहा है भाई, उत्तरी पहाड़ी पे जाएगा क्या, रास्ता कश्मीर से भाई, पहाड़ी जैसी कश्मीर जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को तो। वाकई में बहुत लाजवाब रास्ता है भाई 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 भाई, आराम से भाई आराम से, वो तेरी भाई 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 आराम से चला भाई भाई भाई। वाकई में हमारा पीछा कोई कर भी, अरे कहीं नहीं भाई कोई पीछे ही है भाई, बंदे लोग पीछे ही आ रहे भाई, मैं ठुक गया भाई 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 भाई, देखो देखो एक बार ठोका तो सारे बंदे आगे निकल गए भाई। अरे चल हट बे, कोई गाड़ी की फिक्र मत करेगा भाई, बहुत हम ज़्यादा अमाउंट है इस रेस के विनर को, इसलिए गाड़ी तो रिपेयर होती रहेगी। वाकई में अभी पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, बहुत पैसा है अपने पास अभी, क्योंकि बैंक से आया है अभी वो रॉबरी के पैसे भी, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और इस रेस शायद मैं जीत जाऊँ तो भी मेरे पास बहुत सारा अमाउंट होने वाला है भाई। भाई 300 की स्पीड पे जाएगी भाई गाड़ी अपनी भाई, हवा में उड़ेगी भाई 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 ठुक गई भाई, देखो एक बार ठुकी तो मतलब मैं सारे बंदे आगे चले जाएंगे भाई अपने, इसलिए आराम से चलाना पड़ेगा भाई, लोग किसी को आगे ना जा पाए ऐसा ही हमारे को ऐसा ही लगेगा भाई। भाई रास्ता तो देख सकते हो आप कैसा खतरनाक रास्ते से निकल रहा है भाई ये रेस के लिए, गाड़ी अच्छा है
रात का समय है इसलिए कोई लॉस एंटोस पे कोई गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं है, बाकी कितनी ट्रैफिक रहती है आप सभी को पता ही होगा। रात का समय है इसलिए ट्रैफिक कम है भाई, कोई बात नहीं भाई, चल से चल भाई, ये रेस हमको जीतनी है भाई। भाई बहुत लंबा है भाई ट्रैक राउंड, बाकी में पहले स्थान पे टॉप पीस है ये भाई, कहाँ से निकल रहा है भाई मैं, पूरा प्लान रास्ता है भाई इधर। अच्छा वह खुला रास्ता में पका ही लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि वह तन मानने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है भाई, गाड़ियाँ कहीं से भी आ सकती है भाई, पूरा खुला रास्ता इसलिए पका ही लेते हैं भाई थोड़ा। भाई भाई कितनी लंबी रेस होने वाली है भाई, स्टार्टिंग फिनिश पॉइंट कहाँ पे है भाई पता ही नहीं चल रहा भाई, लगातार 3 मिनट से ऊपर हमने गाड़ियाँ चला लिया, फर्स्ट स्थान पे है भाई, अभी तक फिनिश पॉइंट नहीं आया भाई। वाकई में रात का नज़ारा ही कुछ अलग है भाई, रॉस एंटोस में देख सकते हो आप, कहाँ से कहाँ तो भाई फिनिश पॉइंट आ गया, देखो सकते हो आप सामने ही खड़ा है भाई, फिनिश पॉइंट हो गया, हम जीतने वाले हैं। यस, वाकई में ये रेस हमारी हुई भाई साहब, फर्स्ट स्थान पे आ गया भाई, बहुत ही लाजवाब होगी भाई ये, इसमें अमाउंट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, 10.45 सेकेंड में हमने रेस पूरी ख़त्म की है भाई। भाई 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 लड़कियाँ भी आने लगी है भाई, वाकई में अपनी गाड़ी की हालत तो देख सकते हो आप, बहुत ही ख़राब हालत हो चुकी है भाई, लेकर भी पैर करवाएंगे कोई बात नहीं, अभी नहीं बाद में करवाएंगे, इसलिए मैंने बताया था कि ये इस रेस ख़त्म होने के बाद आपके सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, उस सबका के पास हम जाने वाले हैं। फ्रैंकलिन ने लॉस एंटोस में एक बहुत ही बड़ा घर परचेस कर लिया है उस रॉबी के अमाउंट से, वो घर हम आप सबको दिखाने वाले हैं भाई, वाकई में बहुत बड़ा घर है भाई फ्रैंकलिन का, जो हमने बताया था कि वो बहुत ख़राब रास्ते पे, मतलब मैं बहुत ख़राब एरिया में रहता है ऐसा ही बताया था, अभी वो बहुत ही अमीर बंदा बन चुका है भाई फ्रैंकलिन भी, इसलिए उसने एक घर इस वाली पहाड़ी पे एक ले लिया है भाई, वाकई में बहुत ही लाजवाब घर है भाई उसका फ्रैंकलिन का। ये आ गए फ्रैंकलिन की बाइक और एक कार, ये वाला गैराज है भाई फ्रैंकलिन का, बहुत ही लाजवाब एरिया में लिया भाई, रॉयल बंडा बन चुका है भाई फ्रैंकलिन अभी भाई, गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं भाई, माइकल के साथ आते ही बाकी में देख सकते हो 36 एकोटेर 3671 का कर माइक फ्रैंकलिन ने परचेस कर लिया भाई, वाकई में इंटीरियर देख सकते हो आप कितने खतरनाक भाई, भाई भाई क्या हाउस लिया है भाई फ्रैंकलिन ने, वाकई में बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा घर है भाई फ्रैंकलिन का, वाकई में देख सकते हो टीवी के नीचे भाई, वाकई में बहुत ही लाजवाब है भाई, ये देखो बैठने के लिए, वाकई में बाहर भी बहुत लाजवाब होने वाला है भाई, बाहर जाके एक बार नज़ारा देख लेते हैं भाई बाहर का, कहाँ से जाएंगे इधर, ये रहा दरवाज़ा भाई, सारी तरह खिड़की लगी है तो मैं कह रहा किधर से जा सकते हैं किधर से, वाकई में व्यू देखो भाई आप सभी, इधर से व्यू तो देखो लॉस सैंटोस का, बहुत ही लाजवाब व्यू आ रहा है भाई साहब, ऐसा कर तो भाई सपनों में ही सोच सकते हैं हम, वाकई में बहुत ही लाजवाब कर है भाई फ्रैंकलिन का, माइकल का भी ऐसा नहीं है वैसा फ्रैंकलिन का, भाई साहब स्विमिंग पूल देख सकते हो आप भाई, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है भाई, इसमें तो अभी जाना ही पड़ेगा बट अभी नहीं, अभी भाई बेडरूम किधर है भाई फ्रैंकलिन का, उधर ही नीचे सीढ़ियाँ भी जाती है भाई, और एक स्विमिंग पूल है छोटा वाला, और ये फ्रैंकलिन का डॉग है भाई, भाई उसका घर भी है भाई फ्रैंकलिन का डॉग का भी, और छोटे बच्चों के लिए लगता है, नहीं नहीं गर्म पानी है भाई ये वाला, वाकई में बहुत लाजवाब स्विमिंग पूल है, दो स्विमिंग पूल है, हैंकलिन का डॉग भाई,
का घर भी बहुत ही लाजवाब है भाई। जो आगे में बेडरूम देख सकते हैं, अभी फ्रैंकलिन का बेडरूम किधर है भाई, देखो भाई ये स्विमिंग पूल, और उधर उधर देखो भाई बैठने के लिए भाई, उधर देखते हैं भाई भाई चिकन विकन भी सेक सकते हैं भाई इधर बैठ के। वाकई में नज़ारा ही कुछ अलग है भाई, इधर बैठ के खाना खा सकते हो तो वाकई में बहुत ही लाजवाब घर मिल चुका है भाई फ्रैंकलिन को। देखो इधर बहुत ज़्यादा पीएस है भाई वाकई में। अभी अंदर फ्रैंकलिन का बेडरूम है भाई, वाकई में बहुत लग्जरियस घर मिला है भाई फ्रैंकलिन को। और ये फ्रैंकलिन का चेंजिंग रूम है भाई, वाह काफ़ी सारे कपड़े भी फ्रैंकलिन ने परचेस कर लिया है भाई, लाजवाब लग रहा है भाई फ्रैंकलिन भाई, पैसों से यार क्या कुछ नहीं खरीद सकते भाई, वाकई में पैसा है तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा ही किया भाई। ये दो दरवाजे बंद है भाई, कोई बात नहीं बाद में इसके भी की लेके खोल लेंगे हम भाई। भाई 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 ये कौन सा, ये भी लॉक है, कोई बात नहीं। और ये बाहर जाने का रास्ता, वाकई में नीचे जाने का रास्ता दो है, अभी बहुत थक चुके हैं भाई इसलिए थोड़ी देर आराम करेंगे भाई, और सुबह फिर से देखेंगे क्या हो सकता है इस घर में क्या क्या है भाई। चलो मिलते हैं सुबह को, अब तक के लिए गुड नाइट भाई। जय श्री राम गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है भाई। आज मेरे को तो स्विमिंग करने का बहुत मन चल रहा है भाई, नए घर में है भाई, स्विमिंग तो बन रहा है भाई, थोड़ा चल रहा भाई, थोड़ा स्विमिंग कर लेते हैं भाई, क्या बोलता है तू, चल चल भाई स्विमिंग ही करते हैं, थोड़ा नहा लेते हैं फिर तैयार होकर पार्क घूमने जाएंगे भाई थोड़ी देर के लिए। या वाकई में लुक देख सकते हो आप, और की और भाई भाई रुक रुक भाई लाई मारेंगे पूरी अंदर, चल चल पीछे आ जा, थोड़ा पीछे आ जा उधर से मारते गए, इधर से नहीं इधर से मारते, चल भाई। ओ माय गॉड, काफी खतरनाक वाली टाई मार दी भाई फ्रैंकलिन ने, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है भाई नहा के, अमीरों वाली फीलिंग आ रही है भाई अभी थोड़ी देर, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, अमीरों वाली फीलिंग है पूरी ही। वाकई में बहुत तगड़ा घर ले लिया भाई फ्रैंकलिन ने, बहुत तगड़ा घर। चल भाई बाहर जाते हैं भाई, हमारा डॉग देख सकते हो आप, सीढ़ियों से नहीं चल पाएगा क्या, चल भाई कोई बात नहीं। आए इसका नाम क्या रखे भाई, आप सभी लोग कमेंट करो तो जरूर बता दीजिए इसका नाम क्या रखना चाहिए हमने को, और कमेंट ये भी करना कि ये फ्रैंकलिन का घर कैसा लगा आप सभी को भाई, कमेंट तो बनता है भाई, लाइक भी पट्टा देना भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको। चल भाई कपड़े चेंज कर लेते हैं थोड़े, एकदम खतरनाक लुक देते हैं भाई थोड़ा फ्रैंकलिन को, ओ भाई साहब ये वाला लुक खतरनाक माफिया वाला लग रहा है मेरे को तो, चल भाई कोई बात नहीं भाई। इधर से अबे दरवाजा, अबे यार कांच में से तपलीक हो रही है भाई, कहाँ से जाएंगे भाई, देखो सेम ही सेम है सब कुछ, चल भाई कोई बात नहीं भाई, मैं सोच रहा हूँ ऊपर चलता हूँ थोड़ी देर भाई, भाई 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 भाई, भाई, भाई। आराम से भाई, चल भाई ऊपर चलते हैं। जब मैं स्विमिंग कर रहा था माइकल का बहुत कॉल आ रहा था भाई, लोग उसको कुछ अर्जेंट काम लगता है, मेरे को तो रात को भी आया था जब हम सो रहे थे, और सुबह में हम देखा ही नहीं भाई, फ़ोन खुला ही नहीं, इसलिए रात को भी आया था सुबह को भी आ रहा था उसका कॉल, ज़रूर कुछ अर्जेंट काम होगा भाई, उसको भाई फ़ोन करना पड़ेगा भाई, माइकल को भी फ़ोन कर लेते हैं भाई रुको, क्योंकि कोई अर्जेंट काम भी हो सकता है माइकल के लिए। माइकल भाई माइकल माइकल भाई ये रहा, यो माइकल,
Hey, Michael, okay. It's me, man. Wanna hang out, man? Yeah, sure. That'd be great. Okay. We ain't hung out for a while. Cool, I'm coming by. Oh, bhai saab. Okay. माइकल बता रहा कि उसका एक फ्रेंड जो लॉस एंटोस आने वाला था एयरपोर्ट से कल रात को, मतलब मैं रात को फ्लाइट थी उसकी, रात को लैंडिंग की, और लेकिन वो अभी तक उसके घर पे नहीं आया। इसलिए माइकल बहुत ही चिंता में है क्योंकि उसका कॉल भी नहीं लग रहा कि वो किधर गया होगा। क्यों ना हम एक बार एयरपोर्ट जाके देख के आए भाई, क्या मामला है भाई, कि भाई आया क्यों नहीं अभी तक, कुछ पता करके आते हैं भाई। चल से चल माइकल को वहाँ पे जाना पड़ेगा हमको उसको लेने के लिए। बाद में उसको माइकल को लेके सीधा एयरपोर्ट चले निकल देंगे भाई, माइकल के घर थोड़ा सा आगे भाई। वाकई में एरिया बहुत डेंजर है भाई, फ्रैंकलिन का बहुत ही अच्छा हुआ है भाई, इधर से माइकल का घर भी नज़दीक ही पड़ता है भाई फ्रैंकलिन को। बुगाड़ी, अपनी बुगाड़ी भी बहुत ही लाजवाब है भाई। भाई फ्रैंकलिन बहुत तेज चलाते हुआ माइकल के घर पे आ चुका है भाई। चल भाई चल भाई, माइकल भाई आजा बाहर, नहीं रुकते, फोन ही कर लेता हूँ माइकल को। हेलो माइकल भाई, चल भाई sounds good, गाड़ी चला के cool, then grab us a निकलते इधर एयरपोर्ट के लिए भाई। ठीक है भाई, चल भाई। फ्रैंकलिन ने उसकी कार माइकल को दे दी क्योंकि भाई ड्राइव हम करेंगे माइकल। वाकई में माइकल फ्रैंकलिन को कांग्रेस बता रहा है कि कल की रेस भी माइकल ने देखी थी कि फ्रैंकलिन ही चीट गया था इसलिए। लेकिन अभी तक माइकल बहुत चिंता में है क्योंकि उसका फ्रेंड जो आने वाला था लॉस एंटोस में वो अभी तक आया नहीं है भाई। भाई भाई कुछ तो करना पड़ेगा भाई, उस बता रहा है कि एयरपोर्ट ले निकलते भाई, एयरपोर्ट का रास्ता एक बार देख लेते हैं भाई किधर है भाई एयरपोर्ट, क्योंकि भाई इधर बहुत कली कुच्ची में हमको जाना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए भाई। ये रहा एयरपोर्ट, इधर से डायरेक्ट फ्लाइट से बाहर निकलना रास्ता, मतलब कहाँ पर होगा मेरे को तो इधर ही तरफ ही लग रहा है भाई। कोई बात नहीं, अभी इधर मार्क कर देता हूँ भाई। चल भाई इधर चल, इधर से ढूंढ लेंगे भाई एयरपोर्ट से। चल भाई माइकल बता रहा है कि भाई फ्रैंकलिन भाई ने नया घर ले लिया, वाकई में बहुत लाजवाब है भाई, पार्टी तो बनती है, माइकल ऐसा बता रहा है फ्रैंकलिन को। वाकई में फ्रैंकलिन कि कोई बात नहीं भाई, आ जाना कोई भी बार घर पे। लेकिन फिलहाल अभी माइकल का एक फ्रेंड उसका जिगरी यार, मतलब बोलते वो आने वाला था ना से विरोज में, हमने देखा ही था कि भाई माइकल का फ्रेंड ट्रेवल उससे मिलने आने वाला था लॉस सैंटोस में। लेकिन ट्रैवल आते ही गायब हो गया है भाई, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो वाकई लुक देखो भाई गाड़ी की अंदर की, वाकई में बहुत ही डेंजर गाड़ी है भाई। अच्छा है भाई 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 माइकल भाई यार गाड़ी को ठोकरा ला भाई, फ्रैंकलिन गुस्सा हो रहा है भाई। भाई भाई आगे चलो भाई, फ्रैंकलिन बहुत गुस्सा में है भाई क्योंकि उसकी गाड़ी माइकल ने बहुत बार ठोकी है भाई, भाई छीन ना ले भाई उससे। फ्रैंकलिन गुस्सा हो रहा है और इधर ठोक रहा है अभी यार फ्रैंकलिन एयरपोर्ट पे आ चुके हैं भाई,
जाना है थोड़ा आगे भाई, इधर उधर से नहीं होगी एंट्री, उधर से वो भी मेन ये रहा लॉस एंजेलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम आ चुके हैं। ट्रैवल को ढूंढना पड़ेगा भाई, माइकल ले चल भाई, माइकल आ जा, फ्रैंकलिन पता चल रहा है भाई, माइकल चल भाई माइकल, थोड़ी देर इंतजार नहीं करते भाई, सीधा उस पुलिस वाले को पूछते होगी भाई ट्रैवल किधर है भाई, तू चुप रहना, माइकल को बता रहा है फ्रैंकलिन, मैं बात करता हूँ। अरे फ्रैंकलिन ने पुलिस वाले को पूछा रहा कि हमारा एक दोस्त जो एयरपोर्ट पे आने वाला था कल रात की फ्लाइट से अभी तक मिसिंग है, और पुलिस वाले ने बता दिया कि भाई एक आदमी पकड़ा गया है पुलिस ने, क्योंकि वो एक ड्रग्स डीलर था ऐसा बता रहा है भाई, हमने माइकल को भी बता दिया भाई, उसको पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर दिया भाई। नो, ये माइकल बहुत ही चिंता में हो गया है भाई, क्योंकि उसका एक दोस्त ने पुलिस वाले ने पकड़ लिया है भाई। हम सोच रहे हैं कि ट्रैवल को एक पुलिस वाले ने कैसे पकड़ा है भाई, अबे ट्रैवल आ रहा था तो अकेले ही आना चाहिए था ना, क्यों ड्रग्स लेके आया भाई, वो एक कंजारी है भाई, मतलब मैं ट्रैवल आपको पता ही होगा कैसे एरिया में रहता है भाई, बहुत ही माफिया टाइप का रहता है वो भी, इसलिए लगता है कुछ वजह से वो भी उसको आतंकवादी जाहिर कर दिया है भाई, इस लॉस एंजेलिस की पुलिस ने ड्रग्स लीडर का कॉन्टैक्ट है भाई ट्रैवल का, लेकिन कुछ काम का नहीं लगा भाई ड्रग्स के लिए भाई, पुलिस वाले ने नहीं लेकिन आर्मी ने उसको गिरफ्तार कर दिया भाई। वाकई में बहुत ही खतरनाक होने वाला है भाई, भाई ट्रैवल भाई अभी माइकल से बात करते भाई आगे क्या करना है भाई, माइकल ने बताया कि भाई कोई बात नहीं अभी तो आज के दिन थोड़ा आराम करते हैं भाई, कल बाद में सोचेंगे भाई क्या करना है हमारे को, चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर भाई माइकल इधर आराम कर ले, मैं जाता हूँ अपने घर पे। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आगे वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। जिस किसी ने भी ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना भाई चैनल को जो नया आया हो, तब तक के लिए गुड बाय।